कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा और अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ओपी बुनकर के सुझाव पर चैंबर ऑफ कॉमर्स उदयपुर डिवीजन के कार्यकारिणी सदस्यों की ओर से बैठक शनिवार को चैंबर भवन सूरजपोल पर चैंबर अध्यक्ष पारस सिंघम्बी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में उदयपुर के सभी प्रमुख बाजारों और संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में उपस्थित सभी संगठनों के प्रतिनिधियों ने उदयपुर के सभी मार्केट एसोसिएशन के बाजारों को सोमवार से अपना व्यवसाय रात 8 बजे बंद करने पर सहमति व्यक्त कर जिला प्रशासन को सहयोग करने पर एकमत हुए। साथ ही आगामी त्योहार रक्षाबंधन और बकरीद के पश्चात प्रत्येक रविवार को अपना व्यवसाय पूर्ण रूप से बंद रखने का निर्णय लिया गया। इस अवसर पर संरक्षक गणेश डागलिया, कार्यकारिणी अध्यक्ष हिम्मत बडाला, सलाहकार शब्बीर के मुस्तफा, जानकी लाल मुंदड़ा, सुखचैन सिंह कंडा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष तुलसीराम अग्रवाल, उपाध्यक्ष सुखलाल साहू, महामंत्री राजमल जैन, मंत्री अजय पोरवाल, सुरेंद्र बाबेल, भवरलाल सुवालका, कोषाध्यक्ष दिनेश चावत, संगठन मंत्री इंदर सिंह मेहता, प्रचार प्रसार मंत्री राकेश जैन, सांस्कृतिक मंत्री हरीश चावला, आलोक पगारिया, कन्हैया लाल सिघम्बी, कुंदनमल सामोता, सुभाष कोठारी, ब्रजलाल सोनी, ख्याली लाल कोठारी, चंचल कुमार अग्रवाल, अशोक शाह, जयेश चंपावत, सुनील अरोड़ा, अशोक परिहार, अक्षय जैन, प्रहलाद अग्रवाल, सूर्य प्रकाश खमेसरा आदि लोग मौजूद रहे। राजस्थान की ताजातरीन खबरों से रूबरू होने के लिए ई न्यूज़ राजस्थान को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।